हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज है ब्लॉग में और क्या क्या बनाऊंगा वो तो पता नहीं, तो आप लोग बने रहना, जुड़ी रहना, जो भी हो सामने जो देखे वही ब्लॉग बना के जाएगा। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो जुड़ी रहेगा तो आप लोग सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आज है हम लोग दिल्ली गेट घूमने जाएंगे, कुछ देर में हम लोग दिल्ली गेट घूमने जाएंगे, तो आप लोग भी जुड़ी रहना, बने रहना मेरे साथ। तो जब भी आप लोगों को दिखाता हूँ, चल लो आप भी। यहाँ पर है और गया भैया जोरी रहने को बोलना है हमारा साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, सब लोग रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो सब लोग एक साथ जुड़ के जाएंगे हम लोग। और ये रहा हमारा डेस्टिनेशन। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग अभी निकाल रहा हूँ, ये देखिए। हेलो कैमरा है हमारा पास, तो फुट कैमरा है हमारा, उसमें नहीं आएगा, उनके बारे में जानकारी नहीं है ना। भैया कितना सुंदर देखे है गाइस, अभी पास में जाके दिखाता हूँ। इंडिया दिल्ली गेट और उस साइड का जाना पड़ेगा शायद, अभी जाके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए गाइस, पत्थर से बनाए गए हैं, यहाँ पर अलग तरीके से डिजाइन से बनाया गया है, ओवरऑल लोकल तरीके से। तो फाइनली पहुँच गए हम लोग यहाँ पर, लगभग एक घंटा भी नहीं, 44 मिनट लगा था हम यहाँ पर आने में। फिलहाल अभी पहुँच गए हम लोग। तो यही है दिल्ली गेट, इंडिया दिल्ली गेट। जो 26 जनवरी, जो 26 जनवरी है ना, तब तो यहाँ पर डांस करना पड़ेगा। आप बोला जो कल ग्रैंड फिनाले में जीत गया, जो लोग जीते थे उन लोग के लिए यहाँ पर डांस करना पड़ेगा 26 जनवरी में। यहाँ से उधर तक जाना पड़ेगा बोला, तब गाड़ी भी नहीं जा पाऊँगा यहाँ पर, गाड़ी अलाउड नहीं रहूँगा, सिर्फ डांस ही चलेगा यहाँ पर, परफॉर्मेंस ही चलेगा बोला। इस मार्च से जो डांस करके जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा बोला परफॉर्मेंस, जो अपना अपना परफॉर्मेंस। वर्ल्ड दिल्ली गेट में जाने के लिए यहाँ से एंट्री करना पड़ेगा गाइस, कैसे जाना होगा हम लोग। तो यहाँ भी स्टूडेंट वाला लोग दिल्ली से आए गए, हाय चाइनीज कह रहा है इन लोग हमको गाइस, देखिए। हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ से, एंट्री करना पड़ेगा यहाँ से, जाना पड़ेगा दिल्ली गेट में जाने के लिए, और दिल्ली गेट में अंदर में एंट्री करने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोग। तो चल लो अभी अंदर जाके देखते हैं गाइस। फाइनली अंदर जा रहे अभी हम लोग, एंट्री कर रहे हैं अभी, गेट के पास जा रही है। इसमें तो फाइनली पहुंच ही गई है गाइस अंदर में, देख सकते हो इस तरीके से। तो देखो गाइस कितना बड़ी, वाओ कितना ऊंचा है गाइस। मैं जब मोबाइल में देख रहा था ना, तो बहुत छोटा लगा था इसको, मतलब मैं ऐसे लगा इसको छोटा, लेकिन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, देखो बहुत बड़ा था गाइस। ये तो देख चुके हो, तो अभी फोटो वगैरह शूट वगैरह कर रही है।
और यहाँ पर देखिए डांस रिहर्सल कर रहा है भाई। अच्छे अभी ऑल आर स्टैंडिंग लाइट नाउ दिस इज नेशनल वाटर बॉडी दिस प्लेस इज डेडिकेटेड टू ऑफ जरूर है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और 1948 में लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को कब्जा करने का अटेम्प्ट मेड किया था, तो जो हमारे इंडियन ट्रूप्स थे वो श्रीनगर पे डिप्लॉयड हुए थे। ये लड़ाई किया गया था और 53 सोल्जर्स को सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से और 323 सोल्जर्स को थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और उन सभी शहीद जवानों को नाम जो ओल्ड जमाना का जो देश के लिए लड़ रहे थे और देश के लिए जान चला गया था, उन लोगों का नाम यहाँ पर रखा गया है। देखो गाइस उन सब का नाम यहाँ पर सब जगह पे उन लोगों का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर इंडियन नेशनल फ्लैग पहले ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, और अभी तो ये चल रहा है। और यहाँ पर देखिए गाइस अमर ज्योति जवान यहाँ पर आग जल के रहता है ऐसे ओल्ड जमाना का। तो दोस्तों अभी एंट्री करने दे रहा है तो हम लोग अभी इससे जो है अंदर में जाके देखते हैं गाइस। ये देखिए गाइस चारों तरफ ऐसे ही आग जल के रहता है, यहाँ पर देख सकते हो अमर ज्योति जवान कहते हैं इसे। जब ओल्ड जमाना का दिन में युद्ध हो रही थी उस जमाना का आग को लेके यहाँ पर रखा है एक प्रो। और देखिए गाइस यहाँ पर रोज ऐसे घूरना होता है, इन लोग ऐसे रोज घूरना होता है बोला रोज रोज। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही आग जल के रहता है, देख सकते हो गाइस कितना शानदार। तो दोस्तों रात होने जा रहा है अभी, तो चलो अभी दिल्ली गेट में ये देखिए। तो दोस्तों दिल्ली गेट जो है रात को देखेंगे तो इस तरफ देखिएगा, देखो कितना सुंदर सोना की तरफ। वाओ ये देखो एकदम लाइफ में पहली बार। और देखिए गाइस नजदीक वाला में ऐसे बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जो एंट्री करने का टाइम पर यहाँ से आया था, तो यहाँ पर ही सब कुछ मिलेगा, मैप दिल्ली गेट वहाँ पर जो है सब कुछ राष्ट्रपति भवन सब कुछ यहाँ पर ही मिलेगा, मैप लोकेशन गाइस सब कुछ देख सकते हो, जो राष्ट्रीय सब कुछ मैप ही यहाँ पर है बनाया गया। और यहाँ पर देखिए पूरा नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर नेशनल स्टेडियम। नेशनल वॉर मेमोरियल ये है, इंडिया गेट सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, सब कुछ मिलेगा देखिए। देख सकते हो गाइस यहाँ पर भी। तो दोस्तों घूम के ख़त्म होकर अभी जा रही है रूम पर, और यहाँ का नज़ारा देखिए गाइस।
तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे, आई होप आप लोग मेरा वीडियो का अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, वीडियो को बुरा लगे तो डिसलाइक दीजिएगा। और इस चैनल पर नया आए हो तो फॉरन सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, बहुत प्यार दिया था मुझे, सपोर्ट किया, इसलिए बहुत 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 शुक्रिया, मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मेरा चैनल कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझे सपोर्ट किया, प्यार से सपोर्ट दिया, इसलिए बहुत 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 शुक्रिया। वीडियो आज के लिए यहाँ पर एंड करता है, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। तो आप लोग अच्छे से रहना, सही सलामत से रहना। ओके, बाय।